देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत इजी है। प्रीवियस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 पे बेस है, उसी का डेटा लिया है। फर्क क्या क्या है? इन्होंने कहा भाई साहब, जो आपकी स्क्वायर प्लेट थी, अब की बार एज से नहीं रोटेट करा रहे, आप एक एक्सिस ले रहे हैं जो कहाँ से पास हो रही है, डायगनल से, बस इस पे आप रोटेट करा रहे हैं। एम आई राइट? आपका काम बन गया। आपने कहा अगर हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता हो जाए तो हमको काम बन जाए, क्योंकि टॉर्क ही निकालना है, बाकी सब सेम है। आई अल्फा, अल्फा भी आपका सेम है। इसके क्रॉस आप जानते हैं होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। अब मैं निकालूंगा नहीं, वो आप पहले ही निकाल के रख लीजिए। तो अबाउट ए डायगनल एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। ध्यान रखिएगा, रेट एंगुलर के जब होगा तो जरा उसको पढ़ लीजिएगा। मास 120 केजी का है, यानी केजी बदल दिया। सेंटीमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर का है। तो आपने कहा 5 का स्क्वायर, एक ये हो गया, मीटर बना लिया। अल्फा आपका 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, और डिवाइड करना है आपको 12 से। काम बन गया, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया। इससे आप इसको उड़ा दीजिए, 25 25 दूनी 50 हो गया। पावर्स -3 -2 5 2 7 नॉर्मलाइज कर दीजिए, 2 घर इधर ले जाइए, -5। टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। तो देखिए कितना आसान सवाल था।